हे व्हाट्सअप गाइस, क्या आप लोग भी अपने जियो फोन का जियो का रिचार्ज करना चाहते हैं? जियो सिम का आपका भी रिचार्ज जैसे जैसे मेरा खत्म है वैसे भी आपका खत्म है, तो जरा रुक जाइए। आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 399 वाला रिचार्ज आपको सिर्फ 299 में मिल रहा है, और मैं इससे भी कम में आपको बता दूंगा कि 299 से भी कम कैसे रिचार्ज करेंगे, 299 का से कम कैसे लगेगा आपका 399 वाला रिचार्ज। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, जरूर से नहीं कर ही दीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पांडे जी की पाठशाला में। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाल वाला बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये बगल में जो बेल का आइकन है इसे भी। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, देखिए मैं आपको दो तीन तरह से बताऊंगा आप कैसे कैसे रिचार्ज कर सकते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल वे में। एक तो पहले आप समझ लिए कि आप ये कैसे रिचार्ज करेंगे। देखिए आपको यहाँ पे जाना है, इसे सिंपल से रिचार्ज पे क्लिक करना है, और आपको क्या करना है, रिचार्ज पे क्लिक करके आपको जैसे ही ओपन होता है, जैसे मेरे ये ओपन हो जाने दीजिए, तो आपको 399 वाला पैक चुनना रहता है। आपको ये सबसे ज़्यादा रिचार्ज करने वाला इसीलिए जियो हॉलीडे प्लान आया है, तो आप इसको रिचार्ज पे क्लिक करके आप इसको चूज़ कर देंगे। ओके, तो 399 का आप बाई करेंगे, ठीक ना। तो आपको देखिए आपके पास अगर कूपन होगा 50 वाला तो आपका ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा, अगर आपके पास नहीं होगा तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि आप भी आपके पास कूपन ना हो तो आप भी 200 से या 299 या उससे कम में कैसे रिचार्ज करेंगे। ओके, तो आप यहाँ पे पहले देख सकते हैं पे फोन पे आपको कितना मिल रहा है, 50 रुपये का मिल रहा है, ठीक। और आपको यहाँ पे कूपन अप्लाई होगा तो 399 से करके 349 हो जाएगा। मेरे पास कूपन नहीं है इसलिए अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ 399 हो गया 349, और फिर यहाँ पे आपको 50 रुपीज़ का मिल जाता है, तो टोटली आपको 299 रुपीज़ ही लगता है। ओके, अगर आपके पास कूपन नहीं है तो आप कैसे रिचार्ज करेंगे, जैसे अभी मेरे पास कूपन नहीं है तो कैसे रिचार्ज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको ऊपर में आई बटन है वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, ठीक ना, उस पर आप पेफोन को इंस्टॉल कर लेंगे। आप उससे पेफोन इंस्टॉल करेंगे ना तो आपको कितना रुपीज़ मिलेगा, 100 रुपीज़ आपके अकाउंट में मिलेगा। अगर आप उस रेफरल कोड से नीचे आपके इस कमेंट बॉक्स में भी रेफरल कोड होगा और डिस्क्रिप्शन में भी, आप उससे अगर रिचार्ज करेंगे तो आपको इंस्टॉल करेंगे और अपना बैंक अकाउंट जोड़ेंगे ना तो आपको 100 रुपीज़ पहले ही मिल जाएगा। मेरे रेफरल कोड से आप इंस्टॉल करके आप अपना बैंक अकाउंट जोड़ेंगे तो। ओके, तो देखिए आपको इसमें क्या करना है, सिंपल से आपको मोबाइल रिचार्ज में जाना है, ठीक ना। आप मोबाइल रिचार्ज में आप यहाँ पे अपना जियो का नंबर डाल सकते हैं। ओके, आप यहाँ पे अपने जियो का नंबर डालेंगे, जैसे मैं एक जियो का नंबर डाल लेता हूँ, ठीक ना। यहाँ पे जियो का नंबर डालेंगे तो यहाँ पे देखिए जियो का नंबर जैसे ही आप 399 का डालते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए रिचार्ज 90 रुपीज़ का कैशबैक अप्लाई हो जाता है, ठीक ना। तो आपके पास कूपन ना हो तो ऐसे करके 99 रुपीज़ आप यहाँ पे कैशबैक अप्लाई कर सकते हैं, आपको 100 रुपीज़ और मिलेगा उस पर से। तो 100 रुपया मिलेगा आपको, तो आपका हो गया कितना, 190। तो आपको बस सिंपल से कुछ और रुपया देके रिचार्ज कर लेंगे आप। ओके ना, तो ऐसे करके आप रिचार्ज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर फैला दीजिए, और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। और नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक है पेफोन का, आप वहाँ से इंस्टॉल करेंगे तो आपको 100 रुपीज़ मिल जाएगा, और आपको और जगह भी मिल जाएगा। ओके, तो देख सकते हैं आप। ओके, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।